माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक और खुशबाश होंगे। आज हम बहुत ही मजेदार और झटपट से बनने वाला चना पुलाव बना रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले पैन में हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें एक बड़े साइज का स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, इसमें हम एक बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, इसमें हम 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे। और अगर आपने पुलाव को थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो इसमें हरी मिर्चें क्रश करके डाल लीजिएगा। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, साथ ही इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, साथ ही मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डाल दिया है, कुछ खड़े मसाले जैसे कि 2 से 3 तेज़पात, 2 से 3 दालचीनी और 1 से 2 बड़ी इलायची डाल दूँगी। और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले जो है अच्छी तरह से खुशबू छोड़ने लग जाएं। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी जो है वो ऐड करके इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक कि ये अच्छी तरह से खुशबू ना छोड़ना शुरू कर दे। जैसे ही इस अच्छी तरह से खुशबू छोड़ना शुरू कर देगा, हम इसमें 1 टेबल स्पून होममेड पुलाव मसाला ऐड कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास होममेड पुलाव मसाला ना हो तो आप कोई सा भी पैकेट वाला मसाला यूज़ कर सकते हैं। इसको हम 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भून के इसमें हम 1 कप इमली और आलू बुखारे का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप सफ़ेद चने ऐड कर देंगे, ये बॉयल हैं, मैंने इसको बॉयल करके फ्रीज करके रखा हुआ था। हम इनको अच्छी तरह से जो है वो भून लेंगे। अब मैं इसमें 1 लीटर जो है वो पानी ऐड कर रही हूँ। आप जितने भी राइस लेंगे उनका डबल आप पानी जो है वो ऐड कर लीजिएगा। और चावल मैंने पहले भिगो के नहीं रखे हुए, मैं इस टाइम जो है वो चावल को भिगो लूँगी। तो ये मैंने पानी जो है बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी बॉयल होने लग जाए, इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल जो है मैंने 5 मिनट पहले भिगोए थे, आपने इस चीज़ को लाजमी जो है वो याद रखना है कि चावल हमने पहले से भिगो के नहीं रखने। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 5 से 7 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। देखिए, 5 से 7 मिनट के बाद इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका हुआ है। इसको हम चम्मच से हिला के चेक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने चम्मच नहीं चलाना, इससे हमारे चावल जो है वो टूट जाते हैं। इस टाइम हम चावल चेक कर लेंगे, अगर थोड़े से कच्चे हों तो इस टाइम हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दमने के लिए रख देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं, चावलों का पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका हुआ है और हमारा पुलाव जो है बिल्कुल रेडी है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। ये खुशबू लेने के लिए आपको भी एक दफ़ा ये पुलाव बनाना पड़ेगा, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ही प्यारी इस पुलाव की खुशबू आती है। अब हम इसको एक डिश में सर्व करते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कितना टेस्टी बना है। मैं इस पुलाव के साथ जो है वो रायता ज़रूर बनाती हूँ, रायते के साथ इस पुलाव का टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मेरी मेहनत का इनाम होता है। ये रियली बहुत ही मज़े का बना है, तो चलिए आप भी जाएं, आप भी बनाएं, मुझे बताइएगा आपका कैसा बना है। तो चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलूंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।